सर मेरा ये एक डाउट है कि कभी कभी हम जबकि कुछ बड़ा करने की सोचते हैं तो हम सोसाइटी से तो लड़ लेते हैं, लेकिन जो फैमिली से नहीं लड़ पाते कभी कभार, जब कभी कभी हमें फैमिली से इतना डीमोटिवेशन मिलता है कि हम वो चीज़ करने के लिए सोचते तो हैं, मोटिवेशन कुछ आती है, लेकिन वो भी उतना भी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि अब वो चीज़ हम कर ही नहीं सकते, उससे कैसे हम अपने आप को डील करें? फैमिली मतलब क्या? वो लोग जो अंदर से एक्चुअल में आपके अपने हैं, दिल से आपसे जुड़े हुए हैं, वहीं पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे लड़ाई होती है तब ज्यादा गुस्सा आता है, या कोई ऐसा अनजान बंदा कोई जान पहचान ही नहीं था, किसी से टक्कर हो गई, आपके जा रहे हो मेटर वेटर हो गए, तेरी चलता है उसको आप भूल जाते हो, कहते आया गया कोई आपका अपना। अब उस सिचुएशन में हम क्या करें सोचो, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। बोल दो ना क्लियरली फैमिली को, बोल दो क्लियरली। बोल तो दिया है तभी तो पंगा हो रहा है, कैसी बातें कर रहे हो? अगर उनको पता ही नहीं है तो पंगा होगा क्या? किसी करियर के बारे में आप अपने अंदर ही अंदर सोच रहे हो तो कोई प्रॉब्लम है? कोई क्लैश है? कुछ भी नहीं है, आपने बोल दिया, अब प्रॉब्लम शुरू। सर अगर डिसीजन पे टिके रहो, हम गलत भी तो हो सकते हैं। तो अगर वो आपको उल्टा बोल रहे हैं तो क्या वो आपके वेल विशर है या नहीं है? क्योंकि एक्चुअल में आपके लिए केयर करते हैं। आपके कुछ ऐसे भी तो दोस्त होंगे वो कहेंगे अरे तुझे जो करना है कर, या मुंह पे आपको कहेंगे नहीं नहीं सब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्योंकि उसको अंदर से फर्क ही नहीं पड़ता, आप जियो मरो उसको क्या फर्क पड़ता है। तो आपके अपने नहीं है, अपने हैं तभी तो उनको फर्क पड़ रहा है। आप किसी करियर का डिसीजन लेने वाले हो तो उनको डर लग रहा है कि अगर इसमें वो नहीं हुआ जैसा आप सोच रहे हो तो आपका क्या होगा और उनका भी क्या होगा। करियर मतलब क्या, उसमें पैसा भी तो इन्वॉल्व होगा। पैसा कौन देगा आपको? अभी तो आप कमा नहीं रहे हो तो पेरेंट्स ही देंगे। उन्होंने कितनी मेहनत से वो पैसा कमाया है, दिन रात क्या क्या किया है तब जाकर के वो पैसा उन्होंने जोड़ा है, और उस पैसे की क्या उनको जरूरत है या नहीं है? आगे आगे जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी क्या वो पैसा उनको चाहिए या नहीं चाहिए? अभी मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक अलग सेगमेंट की। सब रिलेट कर पा रहे हैं ना इस बात से? तो गलत कहां है, वो सही तो है। कल को उनको कुछ हो जाता है या उनकी वाइफ को, यानी कि आपकी मदर को या आपके फादर को कुछ हो जाता है फिजिकली, जो आज की डेट में इतनी सारी बीमारियां हैं, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए, कहां से आएगा? अगर वो पैसा उठा करके उन्होंने आपको दे दिया आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए और वो ड्रीम भी पूरा नहीं हुआ तो उनका क्या होगा, आपका क्या होगा? ऐसा होता है प्रैक्टिकली या नहीं होता है? तो अब क्या करें? सबसे पहले आपको उनके पॉइंट को समझना होगा, अपने आप को उनकी जगह पर रख करके देखो। और एक बात मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि अगर आपके साथ भी वही हुआ होता जो उनके साथ हुआ, जिस तरह के उनको एक्सपीरियंसेस हैं, हो सकता है किसी ने उनको धोखा दिया बिजनेस में पास्ट में, जिसकी वजह से वो आपको बिजनेस करने के लिए मना कर रहे हैं, हो सकता है वो कई बार लाइफ में फेल हुए उस रास्ते पे चल करके जिस रास्ते की आप बात कर रहे हो, या उन्होंने अपने आसपास में लोगों को फेल होते हुए देखा है, उनकी लाइफ को खराब होते हुए देखा है, क्या वो कभी भी आपको किसी ऐसे रास्ते के बारे में बताते हैं कि जिस पे जा करके आप आगे जा करके मर जाओ या आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाए, या वो आपकी सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं? आप किसके बारे में सोच रहे हो? अपनी ड्रीम्स के बारे में। ड्रीम्स कुछ लोगों के पूरे होते हैं, बहुतों के नहीं होते हैं, ये सच है झूठ है? जितने लोग बॉम्बे जाते हैं अपना, वहां पर डेली हजारों लोग ट्रेन से उतरते हैं, सबके ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं। यू आर सेइंग लेस देन 1%, बाकियों का क्या होता है? 99% का क्या होता है? घर वालों से भी लड़ाई हो गई, वहां भी कुछ नहीं हुआ, यहां भी कुछ नहीं हो रहा, समझ रहे हो प्रॉब्लम? तो हम कभी भी डीपली प्रॉब्लम को समझते नहीं है, रिएक्ट करने लग जाते हैं, उनसे लड़ने लग जाते हैं। उनसे किन से लड़ रहे हो आप? वो जो आपको खिला रहे हैं। देखा जाए तो अगर वो चाहे तो आपको बोले चलो जी अब आप ठीक है, इतनी आपको प्रॉब्लम है तो जा, जो जो करना है कर लो, अब आप बड़े हो, या तो आप बच्चे होते और वो ये बात बोलते तो ठीक है, समझ आता है कि एक बच्चा क्या करेगा सड़कों पे, 8-10 साल का बच्चा है उसको तो ठीक है अपने साथ में रखना ही पड़ेगा। बट अब आप सारे 20-25 साल के हो, मुस्टंडे हुए पड़े हो सारे के सारे, वो कहे जा बेटा तू अपने बेस पे कर जो करना है तेरे को, मेरा क्यों सर खा रहा है? ये सब जो बातें होती है ना ड्रीम्स की, ये वो, तब तक ही अच्छी लगती है जब तक पेट भरा हुआ है। 2 दिन खाने को नहीं मिलता ना, ड्रीम व्रीम सब, सबसे पहले ड्रीम्स ही गायब हो जाते हैं, ड्रीम्स की सारी जगह भूख ले लेती है, भाई कहीं से मिल जाए कुछ। तो अभी पेट भरा हुआ है इसलिए हम उनसे लड़ रहे हैं जो हमारा पेट भर रहे हैं, तो लड़ना नहीं है वहां पर। सबसे पहले तो इस बात को अच्छे से समझ लेना, लड़ो उससे जो आपका बुरा चाहते हैं तो समझ आता है, जो आपको मारना चाहते हैं आप अपने को बचाने के लिए उससे लड़ रहे हैं तो समझ आता है, बट वो आपका बुरा थोड़ी चाहते हैं, उनसे लड़ना क्यों है?
तो मैं आपको ये नहीं बता रहा क्या करना है, सबसे पहले क्या नहीं करना है। किसी भी हालत में उनसे लड़ना नहीं है, आराम से बैठो, आराम से उनकी सारी बात को सुनो, जबरदस्ती अपने पॉइंट को एक्सप्लेन मत करो, नहीं उसकी वजह से आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएगा। वो जो भी कह रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्चुअल में समझो। अगर आपने एक्चुअल में उनके पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से डीपली समझ लिया, और जरूरी नहीं है कि अब हम यहां पे बहुत इंपेशेंस होता है हमारे अंदर, हम चाहते हैं कि ये काम एक घंटे में हो जाए, नहीं कई दिन भी तो लग सकते हैं, इतना पेशेंस है हमारे अंदर। आराम से उनको टाइम दो, सुनते रहो, आराम से समझते रहो, और फिर समझ करके फिर एक ऐसा पॉइंट 100% आएगा, जो भी इंसान है वो कहेंगे अच्छा तू भी बता तेरा क्या है। उसके लिए तैयार रहो, उसके लिए यू नीड टू बी 100% रेडी, कि अगर अपने पॉइंट को आप रख रहे हो तो वो एक तरीके की प्रेजेंटेशन हो गई 10-15 मिनट की। वो 10-15 मिनट की प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसको देखने के बाद में या सुनने के बाद में वो ना कर पाए, और अगर उसमें ना करने की गुंजाइश है तो इससे बेटर है कि आप ना ही करो, वो उनके लिए भी अच्छा है आपके लिए भी अच्छा है। गो विद एन ओपन माइंड कि नंबर वन मेरे को सबसे पहले उनकी बात को अच्छे से समझ लेना है, नंबर टू अपनी बात को समझाना है। कब तक ये करते रहना है? जब तक कि एक सही बीच का रास्ता ना निकल आए। बीच का रास्ता मतलब क्या? कुछ ऐसा जो उनके लिए भी सही हो, मेरे लिए भी सही हो, उनके फ्यूचर के लिए भी सही हो, मेरे फ्यूचर के लिए भी सही हो। अगर ये रास्ता निकल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब तक ये रास्ता ना निकले कोशिश करते रहो, चाहे वहां पे खुद को बदलना पड़े, चाहे उनको बदलना पड़े, कुछ भी कोशिश करते रहो।